नमस्कार दोस्तों, मैं पुनीत कुमार उषा मेटल से। मैं बिजनेस कंसल्टेंट हूँ, रिसाइकिल इंडस्ट्री में कंसल्टेंसी देता हूँ। किसी को इंपोर्ट एक्सपोर्ट या डोमेस्टिक लेवल पर बिजनेस सीखना हो, करना हो या समझना हो तो मेरे संपर्क कर सकता है। मैं उसको पूरा गाइड करके उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करता हूँ। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो कैसी लगी। दोस्तों, आज का टॉपिक है गवर्नमेंट जो व्हीकल रिसाइकिलिंग पॉलिसी लेके आई है उसके बारे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा। क्या है पॉलिसी, क्या इसके बेनिफिट्स हैं, क्या आपको आने वाले टाइम में इसका फ़ायदा मिलेगा, इसके क्या नुकसान है और अभी किस पोजीशन पे ये पॉलिसी है, इन सब की इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में आपको दूंगा। तो वीडियो बने रहिए। ये वीडियो मैं दो पार्ट में बनाऊंगा। इस पार्ट में मैं आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दूंगा और सेकंड पार्ट में व्हीकल रिसाइकिलिंग इंडस्ट्री के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा कि इस पॉलिसी के तहत आप कैसे इसमें पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों, पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रो दे देता हूँ कि पॉलिसी में एक्चुअल में क्या है। गवर्नमेंट अब सर्कुलर इकोनॉमी पर ज़्यादा ध्यान दे रही है क्योंकि हमारे यहाँ पे हमारे अर्थ पे रिसोर्सेज की बहुत कमी है और लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। तो जो पहले से हमारे आसपास चीज़ें हैं उसी को रिसाइकिल करके यूज़ करने में गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा ध्यान दे रही है। एंड ऑफ व्हीकल पॉलिसी ड्राफ्ट के नाम से ये पॉलिसी पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया गया था 2021-22 में, जिसमें बताया गया था कि 15 से 20 साल पुरानी व्हीकल्स उनको रोड से कम्प्लीटली हटाया जाएगा क्योंकि ये इनकी जो टेक्नोलॉजी है पुरानी हो चुकी है और पोल्यूशन बहुत ज़्यादा कर रही है। क्योंकि इनका जो इंजन्स हैं और टेक्नोलॉजी से बनी है ये कारें बहुत पुरानी हो चुकी हैं और इससे पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। इसलिए गवर्नमेंट 15 से 20 साल पुरानी जितनी गाड़ियां हैं सब इसको रस्ते से धीरे धीरे हटाएंगी और व्हीकल्स को स्क्रैप करने के रूल्स एंड रेगुलेशन बताया गया है इस पॉलिसी में कि किस तरह से इसमें स्क्रैप की जाएगी कार को, ट्रक को, कमर्शियल और पर्सनल दोनों व्हीकल्स को। गवर्नमेंट आने वाले कुछ सालों में रोड्स पे इलेक्ट्रिक कार्स, ट्रक्स ये सब लाना चाहती है पूरी तरीके से क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड ये गाड़ियां होंगी तो पोल्यूशन नहीं करेंगी। तो कुछ सालों में लगभग आप मान के चलिए कि 4 से 5 साल या 10 साल में ये पूरा रिप्लेस होने के प्रोसेस में है। अभी इंट्रोड्यूस हुआ है, 2-3 साल में इसको पॉलिसी को अप्लाई करने में टाइम लगेगा, फिर इस पर धीरे धीरे इसको अडेप्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है। कोई भी नई टेक्नोलॉजी, नया पॉलिसी आता है तो उसको धीरे धीरे अडेप्ट होने में टाइम लगता है। और दोस्तों, हर साल 10 लाख से ज़्यादा गाड़ियाँ रोड पे आ जाती हैं, डीजल और पेट्रोल वाली, इनसे पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। तो अब मैं इस पॉलिसी को थोड़ा डीप डिटेल में आपको बताने वाला हूँ कि क्या है एक्चुअल में इस पॉलिसी में। तो पहला क्वेश्चन है कि ये पॉलिसी एक्चुअल में है क्या। तो दोस्तों, ये पॉलिसी को मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्टेशन हाईवे इस ड्राफ्ट को इंट्रोड्यूस किया है पार्लियामेंट में 2021 के बजट में और ये इस मिनिस्ट्री के मिनिस्टर जो नितिन गडकरी जी हैं इन्होंने अप्रूवल कर दिया है कि व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी को पूरी तरह से लागू कर दिया जाए। लेकिन ये जो अभी पॉलिसी है ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने पास किया है और अभी स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पॉलिसी का ड्राफ्ट गया है। अगर जब वो हर स्टेट की गवर्नमेंट जब इसको अप्रूवल देगी तभी ये पूरे देश में लागू हो पाएगा। तो अभी ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको अप्रूवल दिया है लेकिन स्टेट गवर्नमेंट्स ने अभी नहीं दिया है, तो इसका थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। तो इस पॉलिसी की कुछ जर्नी है वो मैं आपको बताऊंगा कि पॉलिसी कब आई और अभी किस जगह पे है। पॉलिसी का जो ड्राफ्ट जनवरी 2019 में फाइनेंस मिनिस्टर जो हमारी निर्मला सीतारमण जी हैं फर्स्ट टाइम अनाउंस किया था और बोला था गवर्नमेंट व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी ला रही है। और फिर जुलाई 2019 में गवर्नमेंट ने मोटर रूल्स में अमेंडमेंट कर दिया और अमेंडमेंट में कहा गया गवर्नमेंट स्क्रैपिंग पॉलिसी ला रही है जिसमें 15 से 20 साल पुरानी जो कारें हैं, ट्रक्स हैं, व्हीकल्स हैं उनको रिसाइकिल करी जाएगी और उसके लिए फैसिलिटीज बनाई जाएंगी। और दोस्तों, ये जो पॉलिसी है पूरे 1 साल के लिए बीच में बंद हो गई थी, इस पर कोई भी काम नहीं हुआ। तो इसके बीच में जुलाई 2020 के महीने में NGT, जिसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल्स भी कहा जाता है, NGT ने कहा कि व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी स्टार्ट करके बीच में ही छोड़ दिया गया है और ये आरोप मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्टेशन एंड हाईवे पे लगाया गया कि उनसे बोला गया है कि आपने जानबूझ के इसको डिले किया गया है और इस डिले के कारण हमारी एनवायरनमेंट को काफी दिक्कत हो रही है और पोल्यूशन काफी ज्यादा बढ़ रहा है। इस NGT बेंच को हेड कर रहे थे चेयरमैन जस्टिस गोयल। जस्टिस गोयल जी ने फिर सरकार को पॉलिसी में जानबूझकर देरी करने का आरोप लगाया और जिससे एनवायरनमेंट पे काफ़ी इफेक्ट पड़ रहा है और पोल्यूशन काफ़ी स्पीड से बढ़ रहा है। जब NGT ने जोर दिया तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्टेशन ने जो व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी का अप्रूव दिया था जिसमें बताया यह है कि सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ने ही अप्रूवल दिया है और बाकी स्टेट्स अभी तक अप्रूवल नहीं दिया है। जब सारे स्टेट गवर्नमेंट अप्रूवल देंगे तभी ये पूरे देश में लागू हो पाएगा।
अब करंट डेट के हिसाब से देखा जाए अगस्त 2021 से 2022 जुलाई तक ये पूरी तरह से पूरी कंट्री में लागू हो सकता है। अभी तक इसमें कोई भी इस तरह से नहीं बताया गया कि ये फिक्स डेट में आएगा, लेकिन बस अभी बताया इतना है कि जो न्यूज़ में है कि 2022 जुलाई तक ये आ सकता है। अब इसमें कुछ मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व हैं, वो भी आपको पता होना जरूरी है, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ स्टील, ताकि क्योंकि स्क्रैप बहुत निकलेगा, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ इंडस्ट्री एंड पब्लिक एंटरप्राइजेज और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, ये सारी मिनिस्ट्रियाँ इस ड्राफ्ट में इन्वॉल्व हैं। अब इस पॉलिसी को लाने का पर्पज़ क्या है और क्या होगा, जैसे कि आप घर में अगर 15 से 20 साल पुरानी अगर आपके पास व्हीकल्स हैं, जो कमर्शियल हो चाहे वो प्राइवेट हो, अगर इनको आप 15 से 20 साल पुरानी व्हीकल्स जो रजिस्ट्रेशन एक्सपायर हो गया उसको आप रोड पे लेके आएंगे, तो उसके बाद आप पे काफ़ी बड़ा चालान कटेगा और आपको इसको हर हालत में इसको आपको रिसाइकिल करना ही पड़ेगा, और जो गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ बनाई होंगी वहाँ पे जाके डिसमेंटल कराना पड़ेगा, जिससे आपको काफ़ी बेनिफिट्स भी मिलेंगे डिसमेंटल कराने पे, क्योंकि समय के साथ साथ जब टेक्नोलॉजी चेंज होती है और जो ये 15 से 20 साल पुरानी टेक्नोलॉजी है इससे काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है, और इस पोल्यूशन के कारण से हमारे जो एनवायरनमेंट है काफ़ी गर्म हो रहा है और जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो ज़्यादा बढ़ रहा है, तो इस चीज़ को देखते हुए ये पॉलिसी लाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे बड़ा जो सबसे ज़्यादा मेरे से कमेंट में पूछा गया है, आप अपनी कार को स्क्रैप कैसे कर सकते हैं, तो काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कि इसको, और उसमें ही सारा आंसर मैं आपको बताऊंगा, जो ये उसके उनके लिए भी है जो इस बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं, ये उनके लिए भी है जो एक कार उनके पास ओनर है, उनके पास कार है और वो उसको रिसाइकिल करना चाह रहे हैं, तो ये प्रोसेस रहेगा जब ये पॉलिसी आएगी तो ये प्रोसेस रहेगा इसका। तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपने अथॉरिटी डीलर के पास जाना जो आपके एरिया में होगा, जिसके पास व्हीकल रिसाइकलिंग का लाइसेंस होगा, उसके पास जब आप जाएंगे तो वो आपसे एक आरसी लेगा और आपकी आरसी लेकर वो आपकी पूरे पेपर वर्क करके आपकी गाड़ी को स्क्रैप करने की पूरी पॉलिसी फिर वो आपको बताएगा कि क्या क्या कैसे कैसे होगा। इसके करने के बाद डीलर आपकी आरसी को आरटीओ में सिलेंडर करेगा और जो आपकी गाड़ी का चेसिस नंबर है वो कट करके अपने पास रख लेगा, और बाद में ये आरटीओ के पास भी दोनों आरसी और चेचेस दोनों को सिलेंडर कर देगा, और उस जो गाड़ी आपके पास है उसको प्रॉपर वे में रिसाइकिल करके एक सर्टिफिकेट देगा आपको कि आपकी गाड़ी को प्रॉपर वे से इसको रिसाइकिल कर दिया गया है और टोटली डिस्पोज हो गई आपकी गाड़ी। तो ये होगा प्रोसेस पूरा आपकी गाड़ी को रिसाइकिल करने का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्या आप अपनी गाड़ी का री रजिस्ट्रेशन करवा सकते अदर स्टेट में? तो दोस्तों गवर्नमेंट ने री रजिस्ट्रेशन के लिए की गई फीस को 25 गुना बढ़ा दिया गया है, यानी कि अगर आप अभी 600 रुपये रजिस्ट्रेशन पे कर रहे हैं तो आपको 15,000 पे करना पड़ेगा और ये और भी बढ़ सकता है। तो दोस्तों ये तो था आपका प्राइवेट गाड़ियों का। अब कमर्शियल व्हीकल्स पे क्या है कि जो रजिस्ट्रेशन 1,000 रुपये का होता था अब वो 20,000 का होगा, तो ये काफ़ी ज़्यादा फीस बढ़ा दी गई है ताकि आप रजिस्ट्रेशन ना करा पाएं, गवर्नमेंट की तरफ से ये जानबूझ के किया गया है। तो ये आपको डिसाइड करना होगा कि आपको 5 साल के लिए ये पैसे वर्थ है कि नहीं है, कि 5,000 10,000 20,000 देके और रजिस्ट्रेशन बढ़ा लें 5 साल के लिए वर्थ है कि नहीं है, क्योंकि अब पुरानी गाड़ी चलाओगे तो धीरे धीरे उसके पार्ट्स भी मिलना बंद हो जाता है, तो ये आपको सोचना है कि वो वर्थ है कि नहीं है। री रजिस्ट्रेशन कराने से पहले एक बार अच्छे से सोच लें। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि स्क्रैपिंग पॉलिसी में एक्चुअल में है क्या, और इसके लिए मैंने कार रिसाइकलिंग के पूरी कंप्लीट डिटेल में एक वीडियो बनाया हुआ है, वो भी आप डिस्क्रिप्शन में जाके उसका लिंक देख सकते हैं, कार को प्रॉपर वे में रिसाइकलिंग कैसे किया जाता है। अब मैं आपको बताऊंगा इस पॉलिसी के बेनिफिट्स, कंज्यूमर बेनिफिट्स हो गए, एनवायरमेंटल बेनिफिट्स हो गए, इंडस्ट्रियल बेनिफिट्स हो गए। तो सबसे पहले मैं आपको कंज्यूमर बेनिफिट्स बताऊंगा। सबसे पहले दोस्तों इंडियन गवर्नमेंट आपको टैक्स में छूट देगी, जैसे कि 30,000 देगी पैसेंजर व्हीकल्स को खरीदने पे और 1.5 लाख देगी कमर्शियल व्हीकल खरीदने पे। 50% का रिबेट दिया जाएगा एक्साइज ड्यूटी पे, रजिस्ट्रेशन फीस पे डिस्काउंट मिलेगा, रोड टैक्स पे डिस्काउंट मिलेगा, ऐसी कई प्रकार की और भी सेवाएं हैं जो गवर्नमेंट आपको देगी जब आप पुरानी गाड़ी को रिसाइकिल करने देंगे और आप नई गाड़ी जब खरीदने जाएंगे न्यू टेक्नोलॉजी की। लेकिन दोस्तों उससे पहले आपको और एक चीज और समझना पड़ेगा कि 2017 BS4 व्हीकल जितनी भी गाड़ियां भी चल रही हैं रोड पे वो सब रिप्लेस करना होगा आपको। डीजल और पेट्रोल गाड़ियों के जो ओनर हैं उनको अपना सिलेंडर करना पड़ेगा, न्यू जनरेशन व्हीकल्स खरीदनी पड़ेगी जिसपे गवर्नमेंट आपको 8-12% का बेनिफिट भी देगी, और ये इन फ्यूचर के लिए आपके लिए बहुत अच्छा है, इसको काफ़ी ज़्यादा गवर्नमेंट प्रोत्साहन कर रही है। दोस्तों ये तो थे कस्टमर बेनिफिट्स, अब आपको इंडस्ट्रियल बेनिफिट्स क्या होंगे इस पॉलिसी से।
न्यू टेक्नोलॉजी बेस पर जो न्यू ऑटोमेटिव सेगमेंट आएगा उसमें काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ मिलेगी, जैसे इलेक्ट्रिक कार, बाइक, ट्रक्स। सेकंड, ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। थर्ड, मेटल स्क्रैप, प्लास्टिक, ग्लास इजीली अवेलेबल हो जाएगा, क्योंकि अभी हम ज़्यादातर बाहर से इंपोर्ट करते हैं। अभी सबसे ज़्यादा मेटल इंडस्ट्री में हम लोग निर्भर हैं इंपोर्ट पर, तो जब ये कार रिसाइकल इंडिया में ही होंगी तो ईजिली स्टील, प्लास्टिक, ग्लास, केबल्स, कॉपर, एल्युमिनियम सब आपको इंडिया में ही इजीली अवेलेबल हो जाएगा। और इन्वायरमेंट बेनिफिट्स क्या मिलेंगे दोस्तों, इसमें इन्वायरमेंट बेनिफिट काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि अगर ये कार डीजल पेट्रोल पे चलने वाली गाड़ी रिप्लेस हो जाए तो ऑटोमेटिकली पोल्यूशन कम हो जाएगा, क्योंकि आज के टाइम में सबसे ज़्यादा कार ट्रक ही सबसे ज़्यादा पोल्यूशन कर रहे हैं। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि व्हीकल रिसाइकलिंग पॉलिसी क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, हमें क्या बेनिफिट्स होंगे, गवर्नमेंट को क्या बेनिफिट्स होंगे और हमारे एनवायरनमेंट को क्या बेनिफिट्स होंगे। इसमें सबका बेनिफिट है, लेकिन अब ये देखना है कि गवर्नमेंट कब तक इस पॉलिसी को लेके आएगी और पूरे देश पे लागू करेगी। तो मेरे इस वीडियो के माध्यम से कुछ आपको क्लियर हो गया होगा कि पॉलिसी में एक्चुअल में है क्या और अभी किस रास्ते पे खड़ी है ये। तो इसी प्रकार से और भी इन्फॉर्मेशन वीडियो देखते रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जरूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। और अगर आपको मेटल स्क्रैप बिजनेस सीखना है, समझना है या करना है, किसी प्रकार की भी हेल्प चाहिए तो आप मेरे से जुड़ सकते हैं। मैं इसका पेड कंसल्टेंसी करता हूँ जिसमें आपको मैं बिजनेस सेटअप करने में पूरी हेल्प करूंगा, चाहे वो आयरन का हो, कॉपर का हो, एल्युमिनियम का हो, प्लास्टिक, गत्ता, इनमें मैं डील नहीं करता हूँ, सिर्फ मेटल्स का मैं करता हूँ। तो मोस्ट वेलकम है, मेरी वेबसाइट को विजिट कर लीजिए, उस पर सारी इन्फॉर्मेशन, मेरा GST सब नंबर आपको मिल जाएगा उस पर। और आपकी कोई इंक्वायरी हो कमेंट कर सकते हैं और मेल भी करके मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों अपना कीमती समय देने के लिए। नमस्कार।